रद्द, इंटरव्यू पूरा निकल भी गया तो पूरी परीक्षा रद्द। आखिर क्या हो रहा है झारखंड में? तो आज छात्र पढ़ना शुरू कर दिए, बोले प्रतियोगी परीक्षाओं को हम किताबों को फेंको एक तरफ, और हम अब पढ़ते हैं वो 3 साल पहले का मैंडेट, वो घोषणा पत्र, वो विश्वास पत्र, जिसको लेकर के जो सत्तासीन सरकार है आज बैठी है। और उसके बाद हम लोग जब पढ़ते हैं, छात्रों के पास मजबूरी आन पड़े, वो पढ़े तो पढ़े क्या, एसएससी के लिए पढ़ते एग्जाम रद्द हो जाता है, आप नियोजन नीति ऐसी बनाती है हाईकोर्ट में जाके फ्लॉप हो जाता है। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया पार्टी का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में पढ़ते हैं कि युवाओं के लिए क्या था। हेमंत सरकार ने जो वादे किए थे कि सरकार गठन के 2 साल के अंदर राज्य के विभिन्न खाली पड़े सरकारी पदों पर लाखों झारखंडी युवकों की नियुक्ति की जाएगी, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, आज 3रा साल है। नौकरी नहीं मिलने तक सभी बेरोजगार स्नातक को 5,000 रुपए तथा स्नातकोत्तर को 7,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। कहां है नौकरी, कहां है भत्ता, कहां है? हर पंचायत में 10 झारखंडी युवक युवतियों को पंचायती राज योजनाओं के निर्माण एवं कार्यक्रम से जोड़ते हुए लाखों युवक युवतियों को पंचायत स्तर पर नियमितता के साथ रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 550 रोजगार देते हैं उनके सरकारी आंकड़ों के अनुसार। बाकी कुछ नौकरियां मिली हैं निजी कंपनियों में 1-2 हजार। बाकी इतने सारे जो 5 लाख का वादा उन्होंने किया, 3 साल में महज 550, ये उनका, यही उनकी अचीवमेंट है। तो युवाओं को नौकरी मिलने के बजाय उनके हाथ में नियुक्तियां निकाली जा रही हैं, उनके हाथ से नियुक्तियां निकलती चली जा रही हैं, और खाली जो वैकेंसी और सूचनाएं अखबारों में आ रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं। जो सरकार अभी तक, अच्छा वो तो मसला है एसएससी के एग्जाम का, उसकी भी नियोजन नीति को आपने फ्लॉप कर दिया। जहां पर द्वितीय वर्ग के एग्जाम की बात है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की बात नहीं कर रहा हूं, जहां ग्रुप बी सर्विसेज की बात है, उसके एग्जाम्स को भी आप कहां कंटिन्यू करा पा रहे हैं? तो चारों तरफ से जब हताशा हो गई, जब हम सड़क पर आने के लिए मजबूर हो गए, तो हम 12 तारीख को जो हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद भारत के युवाओं के प्रणेता है, तो जब उनकी किताब को पढ़ते हैं तो पहला जो सेंटेंस निकल के बाहर आता है, उठो जागो और अपने लक्ष्य के प्राप्ति तक जब तक प्राप्त ना हो तब तक रुको नहीं। हमने कहा ठीक है, हमारा अब एक ही लक्ष्य है कि जब आप अपने हक से हमें वंचित करेंगे, तो हम संविधान को पढ़ने वाले, राइट टू इक्वालिटी को पढ़ने वाले, राइट टू अपॉर्चुनिटीज को पढ़ने वाले छात्र, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, राइट टू लाइफ, राइट टू एडुकेशन, 21 क्लॉज के पढ़ने वाले छात्र अब मानने को राजी नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान को बांचने वाले लोग हैं, और अब हम संवैधानिक रास्तों से, क्योंकि आप असंवैधानिक रास्ते आप अपनाते हैं और वो फ्लॉप हो जाता है, संवैधानिक रास्तों के मार्फत हम विवेकानंदा से प्रेरणा लेते हुए, बिरसा की धरती पर गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए, जहां ताना भगत की जमीन हमारे मंच पर, ताना भगत के वंशज इधर उनके पुरोधा बैठे हुए हैं, गांधीवादी तरीके से हम अपनी बात को रखने के लिए, हम मंच पर आने के लिए, हम सड़क पर आने के लिए तैयार हैं। और आगे के लिए क्या होगा, हम अपने माननीय अध्यक्ष और बाकी मंच को देते हैं, गौतम जी को बताए। जैसा कि आप सभी को पूर्व में भी पता है कि हमारे पार्टी ने वर्ष 2023 को संघर्ष का वर्ष घोषित कर रखा है, और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस संघर्ष के वर्ष में प्रथम नेतृत्व देने के लिए अखिल झारखंड छात्र संघ को हमारे केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी ने चुना है। हम सभी यह भी जानते हैं कि किस तरह से बीते 3 वर्ष में वर्तमान की हेमंत सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है, युवाओं के भावनाओं को छलने का काम किया है। चाहे हमारे के प्रवक्ता आदरणीय विनय भरत सर ने कई मुद्दों पे आपको बताया, अभी वर्तमान में जो सरकार है, जो युवाओं के लिए बार बार चीख कर कहती है कि हम युवाओं के लिए स्थानीय नीति बनाएंगे, युवाओं के लिए नियोजन नीति बनाएंगे, युवाओं के लिए आरक्षण रोस्टर का भी पालन करेंगे, लेकिन वर्तमान में अभी आप जेपीएससी का जो कटअप आया है उसको देखेंगे तो किस तरह से आरक्षण का मजाक बनाया गया है, आरक्षण को किस तरीके से धता बताते हुए इसको निकाला गया है,
उसकी पुष्टि तमाम मीडिया चैनल्स और अखबारों के माध्यम से हो रही है। आज वर्तमान में युवा जो है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, चाहे वो नियुक्तियों की आस में तैयारी कर रहे हों, चाहे स्कूलों में पढ़ रहे हों, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे किसी भी कॉरपोरेट जगत में काम करने वाले लोग हों या अन्य सेक्टर में अपने भविष्य को बनाने की इच्छा रखते हों, सभी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आपने देखा होगा, हम लोग भी देखते आए हैं कि आज वर्तमान में जो हमारे राज्य के खिलाड़ी हैं उनका क्या हाल है। आए दिन मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि कोई मोराबादी में चाय बेच रहा है तो कोई कहीं पे अपना जीवन यापन कर रहा है। वो तो हम शुक्रिया अदा करते हैं आप जैसे मीडिया चैनल्स का और अखबारों का, जिनकी नज़रों में वो आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक उम्मीद जगती है और उनको कुछ लाभ मिल पा रहा है सामाजिक रूप से। उसी तरीके से जो उन्होंने अखबारों के माध्यम से जितनी वैकेंसियां आती हैं वो चाहे लोगों को आस तो जगता है, लेकिन नीति ऐसी बना दी जाती है जिसको न्यायालय के द्वारा न्यायालय में चुनौती दिया जाता है और फिर वो रद्द कर दिया जाता है। तो बीते 3 वर्ष से जो गेंद को विभिन्न पालों में फेंकने का कार्य जो सरकार कर रही है, चाहे वो स्थानीय नीति का मामला हो, नियोजन नीति का मामला हो, पर्यटन से जुड़ा नीति का मामला हो, आप वर्तमान में आप जो पर्यटन नीति जो इनकी है उनको लेकर क्या विवाद चरम पे है वो आप सभी जान रहे हैं। इन सभी को लेकर अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू 12 जनवरी युवा दिवस के अवसर पर युवा आक्रोश मार्च करने जा रही है। इसमें हम तमाम समस्त राज्य के युवाओं को आह्वान कर रहे हैं और हमारे संगठन के लोग भी आज से इस मार्च को सफल बनाने के लिए उनको दिशा निर्देश दिया गया है कि आप जाएं और युवा जो एक अंतिम पायदान पे खड़ा जो युवा है उसको भी आप जोड़ें और उसको बताएं कि किस तरीके से अब वक्त आ गया है कि आप सिर्फ अपने मन को महसूस कर नहीं रह सकते, आपको आक्रोश के रूप में उसको बाहर लाना पड़ेगा और इस सरकार के खिलाफ डट कर खड़ा होना होगा। हमारा संगठन उन सभी युवाओं को नेतृत्व देने के लिए तैयार है। इसकी जो रूपरेखा है, हम लोग ये मार्च विधानसभा मैदान धुरवा से प्रारंभ करेंगे और इसका समापन हम लोग मोराबादी बापू वाटिका गांधी जी के प्रतिमा के समीप इसको समाप्त करेंगे और इसमें तमाम वो मुद्दे होंगे, तमाम मुद्दों को लेकर हम मुखर होंगे इस वर्ष में जो युवाओं से और छात्र छात्राओं से संबंधित है। और विस्तृत जानकारी तो और है नहीं, लेकिन जितनी भी जो भी मैनिफेस्टो था सरकार का, जो प्रेजेंट सरकार है, उसमें से लगभग एक में भी खरा नहीं उतर पाया है। उसी के आक्रोश में, उसी के विरोध में हम लोग 12 तारीख को सड़क पर उतर रहे हैं और ये ऐसा नहीं है कि बहुत खुशी खुशी उतरेंगे लोग। एक पढ़ाई छोड़कर, तैयारी छोड़कर युवा सड़क पर आ रहे हैं, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। जिनका जहाँ जगह था, स्टूडेंट का जगह लाइब्रेरी में होता है, अब वहाँ से मजबूर हैं लोग कि वो सड़क पर आएंगे। तो जो भी सरकार है हमारे सामने, एटलीस्ट इतना तो शर्म करना चाहिए कि जो युवा का जो जोश है, युवा का जो ऊर्जा है, उसको सही जगह ना डालकर वो मजबूर है कि वो उस दिन सड़क पर उतरे। और लगभग हर एक साल नौकरियां रद्द होती जा रही हैं, तो जो बैकलॉग सा बनते जा रहा है, तो करें क्या। युवा तैयारी कर रहे हैं, फिर मालूम पड़ता है कि कैंसिल हो गया, ठीक है अगर नौकरी नहीं करेंगे, कुछ और सेक्टर में देखते हैं, उधर भी कुछ नहीं है। तो पढ़ा लिखा युवा नौकरी का मारा फिर रहा है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और देखते हैं कि 12 तारीख के बाद जो हमारा जो आक्रोश रैली होगा, उसके बाद कितनी नींद खुलती है सरकार की। मैनिफेस्टो तो बहुत सोच समझ के बनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि रात को उठे और सुबह में ऐसा बना देते हैं, ये लिख देते हैं। तो एक प्लान था उनका, प्लान किस तरह से वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं उसको हम लोग 12 तारीख के बाद देखते हैं।
लेकिन 12 तारीख का हमारा एक कार्यक्रम है कि हम लोग विधानसभा मैदान एचईसी के पास से हम लोग मोरहाबादी आएंगे और अच्छी खासी संख्या में हम लोग सारे युवा इस रैली में भाग लेंगे और उम्मीद करते हैं सरकार की नींद खुलेगी इससे। तो मेरे साथ नहीं रहेगा तो देखिए आप आज के संवाददाता सम्मेलन में मुख्य रूप से अखिल झारखंड छात्र संघ के हमारे प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर विनय भरत जी, डॉक्टर गुंजल जी, गुंजल इंकिर मुंडा जी, छात्र संघ के प्रभारी हरीश जी और छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गौतम जी, जबार जी और सभी छात्र संघ के प्रदेश स्तरीय नेतृत्वकर्ता, अखिल झारखंड छात्र संघ ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस के अवसर पर जहां उनका विचार था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम लक्ष्य को नहीं पाते हो, तो उस सोच को ही केंद्र में रखते हुए यदि हक नहीं मिल रहा है तो उठो, पहले जागो, उठो फिर चलो। कार्यक्रम का नाम रखे हैं युवा आक्रोश मार्च। युवाओं का झारखंड में जो भविष्य दिखाई पड़ रहा है सरकार के नीति के कारण, उनके नियत के कारण, उनके योजनाओं के कारण, या अभी तक 3 साल में सरकार ने जो घोषणा किया उसके कारण जो आक्रोश उभर के आया है वो आक्रोश अब सड़क में दिखाई पड़ेगा। विधानसभा मैदान से लेके मोरहाबादी मैदान तक एक मार्च होगा, मार्च के बाद जनसभा होगी जिसमें इन तमाम विषयों पर लोग मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। सरकार फिलहाल 3 वर्ष पूरे होने पर अपना पीठ अपने थपथपाया कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन उसी में से एक युवाओं के लिए क्या किया ये खुद युवा कह रहे हैं। हम तो पढ़े हैं कुछ दिन पहले एक पेपर में अध्ययन, झारखंड के शिक्षा की स्थिति पर अध्ययन करके लोगों ने रिपोर्ट दिया, तो रिपोर्ट में ये कहा कि यहाँ के बच्चे अब पढ़ना और लिखना भी भूल गए। मैंने जो स्थिति पहले था वो भी भुला गया, लिखना भी और पढ़ना भी। बहुत सारे आदिवासी बहुल इलाके में जो स्कूल्स हैं जहाँ सिर्फ एक टीचर है, टीचर का वो भी पारा टीचर है, तो एक पीढ़ी बर्बाद करने का इनके निर्णय से एक पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। जो बच्चे आज अंधकार में हैं तो कल भविष्य में क्या करेंगे। तो इस वर्तमान सरकार के 3 साल की उपलब्धि यही है कि हमने एक पीढ़ी बर्बाद कर दी, इसको इस रूप में हम कह सकते हैं। शिक्षा के दिशा में हमने जो कदम उठाया है इससे बच्चे पढ़ना लिखना भूल गए, और रोजगार के दिशा में जो दिखाए हैं वो युवा आप 12 तारीख को दिखाएंगे। मुख्य रूप से आज इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के एक घोषणा करें। हाँ, वो तो इसी साल से ही, साल के अंत से थोड़ा दिन पहले ही से फायरिंग शुरू की है, और फायरिंग ऐसा कि जिसका टारगेट पे लगा ही नहीं, मिस फायरिंग कहते हैं। अभी भी जो आगे फायरिंग होगा हमको मिस फायरे होगा, क्या कि जो
उन्होंने कमिटमेंट किया, उनको हल करने के तरफ बैठाया गया तो वो इसको और सुलझाने के तरफ बैठाया गया तो मुद्दा को उलझाने का काम कर रहे हैं, हल के जगह पहल करने का काम कर रहे हैं, तो फिर आखिरी कुर्सी में बैठने का मतलब क्या है?